please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. रिफत अब्दुल्ला बड़ी खबर दे रहे हैं। गुरुवार शाम कश्मीर घाटी के अलग अलग इलाकों में आतंकियों ने एक के बाद एक छह हमलों को अंजाम दिया। पहला हमला 62 राष्ट्रीय राइफल की पेट्रोलिंग पार्टी पर हुआ, उसके तुरंत बाद शोपिया पुलिस स्टेशन पर आतंकियों ने फायरिंग की, साथ ही सीआरपीएफ की गाड़ी पर हमला किया। दूसरी तरफ कुलगांव में आतंकियों ने एक पुलिस कांस्टेबल को गोली मारकर घायल कर दिया। इसके अलावा कुलगांव में ही आतंकियों ने दो और हमलों को अंजाम दिया है। रिफत, ये कब की घटना है, कब कब ये आतंकी हमले हुए? देखिए अर्पिता, ये कल शाम को ही हुआ ही जो है 62 RR पे जो खबर आई कि 62 RR की पेट्रोलिंग पार्टी पे हमला किया गया। हालांकि अभी फौज का यह कहना है कि उसमें कोई जख्मी नहीं हुआ। कुछ सूत्र ये भी बता रहे थे कि दो फौजी जो है उसमें मामूली तौर पे घायल हुए हैं। तो ऐसे में उसके बाद ही पुलिस स्टेशन पे फायरिंग हुई, जहां एक सीआरपीएफ की गाड़ी भी थी। टाउन में फिर फायरिंग हुई, साथ ही एक कांस्टेबल को गोली मार दी गई टांग पे मिलिटेंटों ने, और साथ ही दो और हमले हुए। एक एसपी है वहां पे कुलगाम में और उसके घर में रैन सैकिंग हुई है, तोड़फोड़ की है मिलिटेंटों ने। तो ये एक साफ कोशिश ऐसा लगता है, क्योंकि धमकी काफी बार दी है मिलिटेंटों ने पुलिस वालों को कि वो जो है मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज में वो शिरकत ना करें। तो शायद ये एक और खौफ पैदा करने के लिए एक कोशिश है कि वो मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज में शिरकत ना करें, तो शायद इस तरह की एक कोशिश है। हालांकि कल इस तरह का ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, सिर्फ एक सिपाही जो है उसकी टांग में गोली लगी है और उसे हॉस्पिटल रेफर किया गया है। लेकिन जिस तरीके के एक के बाद एक हमले किए गए, तो मंसूबा बनाया हुआ था शायद पहले ही कि इस तरह के हमले अंजाम दिए जाएंगे साउथ कश्मीर के दो डिस्ट्रिक्ट्स में। शुक्रिया रिफत। बीजेपी दफ्तर में कांग्रेस की नेता रह चुकी तेजश्री पटेल हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए नजर आईं, क्योंकि गुजरात के तीन कांग्रेस विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा देकर राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार अहमद पटेल की मुश्किल बढ़ा दी। और इसके साथ ही कांग्रेस के तीनों विधायकों ने बीजेपी दफ्तर का रुख किया, जहां इनका जोरदार स्वागत किया गया। गुजरात की राजनीति में बलवंत सिंह राजपूत, प्रहलाद पटेल और तेजश्री पटेल शंकर सिंह वाघेला गुट के माने जाते हैं, और वाघेला के पार्टी छोड़ने के बाद अब इन तीनों का इस्तीफा कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। वहीं कांग्रेस के तीन नेताओं के आने पर बीजेपी में खुशी है। मैं बहुत खुशी व्यक्त करता हूं कि हमारी शक्ति में जुड़ने के बाद हमारी शक्ति में बढ़ोतरी। राज्यसभा चुनाव को देखते हुए तीन विधायकों के इस्तीफे से कांग्रेस में चिंता है, लेकिन कांग्रेस की मुश्किल और बढ़ सकती है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 11 विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। कांग्रेस ने अहमद पटेल को गुजरात से राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया है, लेकिन गुजरात कांग्रेस में मचे घमासान को देखते हुए अहमद पटेल की जीत को लेकर पार्टी में चिंता बढ़ गई, और इसीलिए कांग्रेस के विधायकों ने जब इस्तीफा दिया तो पार्टी में हड़कंप मच गया। अहमद पटेल को जीत के लिए 47 वोट चाहिए। विधानसभा में कांग्रेस के पास 58 विधायक, अगर कांग्रेस से कुछ और विधायक इस्तीफा देते हैं तो अहमद पटेल के लिए मुश्किल हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस अब भी जीत का दावा कर रही है।